देखिए जैसे आप देखे होंगे जनता के बीच में गए होंगे, यहाँ का मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा दिखा होगा आपको। बेरोजगारी पर मैं बता दूं कि इंडिया गठबंधन ने, कांग्रेस पार्टी ने ये घोषणा किया है कि अग्निवीर योजना हम समाप्त कर देंगे। हमारे भाजपा के साथी जैसे बता रहे थे कि चार साल होना चाहिए, ये बताइए कि चार साल की AK-47 चलाने की जिसको ट्रेनिंग दी जाए और उसको पब्लिक के बीच में छोड़ दी जाए, ये क्या उनको आतंकवादी बनाना चाहते हैं? दूसरी दिशा में बहस को लेकर चले गए। ये भले ही आप कह सकते हैं कि भाई चार साल के बाद वो क्या करेंगे, लेकिन कोई आतंकवादी कैसे बन जाएगा अगर सेना में चार साल नौकरी कर लेगा तो? नहीं देखिए, जब AK-47 जैसे जब चलाने के, तो AK-47 हमारे देश में बहुत लोग चलाते हैं, पुलिस वाले चलाते हैं, आर्मी में जो लोग हैं, तो वो आतंकवादी थोड़ी बन जाएंगे? लेकिन वो देश की सेवा में तो हैं, वो एक समय तक सेवा देते हैं और एक बेहतर। सर आपका तर्क मेरे गले नहीं उतर रहा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप अग्निवीर पे जो डॉक्टर साहब ने बोला है कि नहीं, आप उस पर छोड़ दीजिए, आप इसका जवाब दीजिए। आप BSP से हैं, आप पर ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि BJP की बी टीम है। नहीं तो इस जहन में कहीं ना कहीं खुराफात है। BSP सुश्री बहन मायावती जी स्वतंत्र चुनाव लड़ रही हैं और जब इनकी सरकार थी 7 से 12 में आप देख ले रोजगार में सफाई कर्मी की भर्ती, पुलिस की भर्ती 98 रुपया भी भर्ती में नहीं लगा। 36 बिरादरी सफाई कर्मी भर्ती हुई। काशीराम आवास योजना देख ले आप, काशीराम आवास योजना में तमाम जो भी आवास मिले, कोई भी आवास जात को देख के नहीं मिला, सारी जातियों को मिला। आप इसके न्यूज से आप पता लगा सकते हैं। तो बहन जी की सरकार लॉ एंड ऑर्डर सबसे अच्छा था। चलिए अब पब्लिक के बीच पीछे चलिए जगह बनाइए, आइए। हाँ बारी बारी से बोलते चलिए। हाँ सर, योगी जी आए थे PG कॉलेज में, हम लोग PG कॉलेज के स्टूडेंट हैं, हम लोग मुद्दा उठाए थे यूनिवर्सिटी के लिए, वो एक बार भी नहीं सुने। क्या यूनिवर्सिटी नहीं के मुद्दे को नहीं सुना गया? चलिए मेरा प्रश्न है, चलिए धक्का मुक्की मत करिए, हो गया। आप लोग बोल चुके हैं, आप बोल चुके हैं, आप ही थोड़ी बोलते रहेंगे। नहीं तो किसानों की बात आप नहीं करेंगे। आप मेरा रास्ता मत रोकिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरा रास्ता मत रोकिए, आप आगे सड़ जाइए, आप रास्ता मत रोकिए, मैं आपको बोल रहा हूँ। गुंडे मत करिए, गुंडागर्दी मत करिए। भाजपा के प्रवक्ता से मेरा सवाल है कि वो कह रहे हैं कि सुरक्षा, आज पुलवामा के हत्यारे आज तक नहीं पकड़े गए, और एक तरफ कह रहे हैं। भाई साहब मैं बता रहा हूँ कि भाजपा की सरकार बनना तय है, अब बहुत रोजगार मिला है सरकारी योजना के तरफ से 35% अनुदान पे। इन नादान भाजपाइयों से मैं पूछना चाहता हूँ, दिन भर नंदी मैया कैया के नाम करते हैं, दिन भर कैया मैया नंदी बाबा का नाम लेते हैं, इन भाजपाइयों को शर्म नहीं आती है? गाय को मांस को टुकड़े कर करके बयान करते हैं, इनके नेता भारत को डायल करते हैं, क्या बोलेंगे? कांग्रेस के नेता जो है प्रस्ताव, वो जो है सेना के जवान, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। अब की बात 400 पार कहीं पता नहीं चलेगा इन लोग का, देखिएगा। सपा प्रत्याशी है 5 साल 13 दिन क्यों संसद लौट गया? आखिर इसने एक पटिया शहर में क्यों नहीं था अपने कार्यकाल में? प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? मोदी। क्यों? अब की बार 400 गरीबों का मसीहा है, गरीबों का मसीहा है, आएगा तो मोदी ही। देश का विकास हुआ है। मैं समाजवादी जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ, जब ये BP सिंह के नहीं हुए, समाजवादी पार्टी मंडल कमीशन लागू किए थे, उनको गाली दिए, उनके ऊपर उनके लड़के के ऊपर हमला किए, तो ये क्या समाजवादी बनते हैं? सर मेरा नाम नवरात्रा है, ये बताइए 5 साल में सांसद बन के अफजल अंसारी ने गाजीपुर के लिए क्या किया? और हम लोग तो गैया मैया बोलने में शर्म आती है। मोदी जी 400 किसी ने विकास किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, बाकी लोग आए और वैसे ही चले गए। सर हमें ये बताएं कि शिक्षा की भर्ती अब तक नहीं आई है? अब मेरे पास वक्त नहीं है, बोल सकते हैं वक्त नहीं है, हो गया। गाजीपुर से फिलहाल प्रधानमंत्री, कल मुलाकात होगी, बक्सर की जनता से जरूर जुड़िएगा मेरे साथ, देखिएगा एबीपी न्यूज़। डाबर रेड पेस्ट देता है सांस डेंटल प्रॉब्लम से सुरक्षा। हमारा देश हमारा गौरव।